नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करें मेन हेडलाइंस के साथ। हरिपुर धार को 80 करोड़ के तोहफे, सीएम ने किए करोड़ों के प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास उद्घाटन। अभिनंदन समारोह के बहाने कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, कड़ी धूप में 4 घंटे डटे रहे कार्यकर्ता। आपने भाजपा के बाद कांग्रेस पर साधा निशाना, चुनाव में बिखर जाएगी गुटबाजी में उलझी कांग्रेस। रोहड़ू में खाई में समाई कार, दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। 3 महीने से नहीं मिली मिड डे मील डाइट मनी, राशन का बिल अपनी जेब से भर रहे टीचर। सब्जी मंडी उद्घाटन विवाद पर बयानों की जंग, देहरा के विधायक इस्तीफा देने को तैयार। सेब खरीद के नाम पर 36 लाख ठगे, आंध्र प्रदेश के कारोबारी ने बागवान को लगाया चूना। 3 दिन तक बारिश के आसार, मैदानी क्षेत्रों में लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार को सिरमौर के हरिपुर धार पहुंचे। इस दौरान जहां उन्होंने मां भंगाइनी के दरबार में हाजिरी लगाई, वहीं क्षेत्र के लोगों के लिए करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास किए। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार को हरिपुर धार पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। यहां पहुंचने पर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने माता भंगाइनी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने 80 करोड़ की अलग अलग योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज खुशी का पल इसलिए है कि आज कोरोना वैक्सीन लगने के बाद लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में अनेक विकासात्मक योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिनके माध्यम से आम आदमी के जीवन में बदलाव आया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने लोगों को वोट बैंक की दृष्टि से देखते हुए केवल गुमराह किया है। पूर्व सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। भाजपा द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए पेंशन योजना लाई गई है, 125 यूनिट बिजली फ्री दी गई है। वहीं महिलाओं के लिए बस सेवा में 50% यानी आधा किराया लिया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल दिवस पर प्रदेश सरकार द्वारा पानी का बिल भी फ्री किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हाटी का मुद्दा जल्द सुलझेगा। इसके साथ ही उन्होंने राजकीय उच्च विद्यालय चौरास को जमा 2 करने व भरोग भनेरी में पशु औषधालय खोलने की घोषणा की। मैं जरूर कहना चाहता हूँ, एक स्कूल जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जार त्राबिल जो मिडिल स्कूल है, इस मिडिल स्कूल को मैं हाई स्कूल करने की घोषणा करता हूँ। और ये आप लोगों के बीच में यहाँ पर एक बात आई थी, और एक और ये स्कूल है यहाँ पर हाई स्कूल दिवड़ी खड़ा, और इसको हाई स्कूल को अपग्रेड करके इसको प्लस 2 करने की बात कही गई है, तो इसको प्लस 2 करने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। अरसे से गुटबाजी के आरोपों की मार झेल रही कांग्रेस ने गुरुवार को शिमला में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश भर से शिमला पहुंच कार्यकर्ता और पदाधिकारी कड़ी धूप के बीच चौड़ा मैदान में दोपहर 3 बजे तक डटे रहे। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के अभिनंदन समारोह के बहाने कांग्रेस ने गुरुवार को शिमला में शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से शिमला पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कड़ी धूप के बीच चौड़ा मैदान में दोपहर 3 बजे तक डटे रहे। चौड़ा मैदान से कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हमला बोला। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी ये बात खुलकर सामने आई कि पहले विधायक बनना होगा और उसके बाद विधायक ही तय करेंगे कि इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस ने न केवल विधानसभा बल्कि आगामी दिनों में शिमला के नगर निगम चुनाव पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस आयोजन से साफ कर दिया है कि पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव कर्मचारियों, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और भ्रष्टाचार को केंद्र में रखकर लड़ेगी।
कांग्रेस नेताओं ने ओल्ड पेंशन बहाल करने और कर्मचारियों पर दर्ज मामले सत्ता में आते ही वापस लेने का ऐलान मंच के माध्यम से किया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी कांग्रेस की सियासत का केंद्र बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने हमलों की सियासी तोप भाजपा के बाद कांग्रेस की ओर घुमा दी है। कांग्रेस पदाधिकारियों को पार्टी में शामिल करने के बाद आप ने आरोप लगाया है कि गुटबाजी में घिरी कांग्रेस विधानसभा चुनावों में ही बिखर जाएगी। आपके प्रदेश चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने कहा कि हिमाचल में आज तक 40 साल के राज में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी बारियां लगाई हुई थी, इसलिए 40 साल में कभी भी कोई दल रिपीट नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए अब हिमाचल के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं और प्रदेश का विकास करें। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति अब बदल गई है, अब कांग्रेस और भाजपा की नीतियों से दुखी होकर लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा है कि इन दोनों पार्टी में जो कि अच्छे ईमानदार और साफ स्वच्छ छवि के लोग हैं वह आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं और उनका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। वहीं दिल्ली में गुरुवार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव व प्रदेश प्रवक्ता अरुण शर्मा और इंटक के महामंत्री संजय शर्मा ने पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर पार्टी के चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन और सह प्रभारी दुर्गेश पाठक की मौजूदगी में इन दोनों नेताओं ने पार्टी का दामन थाम लिया। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हुए हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी कड़ी में अब रोहड़ू के छुपाड़ी में पेश आए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। परिवार एक शादी समारोह से वापस लौट रहा था। जिला शिमला के रोहड़ू में छुपाड़ी गांव के पास बुधवार देर रात पेश आए दर्दनाक हादसे में एक परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार के चार लोग नई कार में सवार होकर शादी समारोह से वापस लौट रहे थे कि रास्ते में उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 150 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सभी सवार गांव भुलार तहसील जुब्बल जिला शिमला के रहने वाले हैं। उधर एसपी मोनिका भुटुंगरू का कहना है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने कार सवार लोगों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महंगाई की मार अब स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील पर भी पड़ने लगी है। राशन और गैस खरीदने के लिए डाइट मनी की राशि 3 माह से जारी नहीं हुई है। इस बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारी भी कुछ नहीं कह पा रहे। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही अधिकारियों से इस मामले की रिपोर्ट तलब की जाएगी। आए दिन बढ़ रही महंगाई के कारण पुराने तय दामों पर बच्चों को मिड डे मील देना मुश्किल हो गया है। वहीं राशन और गैस खरीदने के लिए डाइट मनी की राशि 3 माह से जारी नहीं हुई है। दुकानों से उधार उठा रहे शिक्षकों को अब दुकानदार भी उधारी का सामान नहीं दे रहे। वहीं एलपीजी सप्लाई में उधार की कोई गुंजाइश नहीं है। नतीजा ये है कि मिड डे मील के बिलों का भुगतान अधिकांश क्षेत्रों में शिक्षक अपनी जेब से कर रहे हैं। ऐसे में मिड डे मील के राशन और गैस के बिल की अदायगी हेतु शीघ्र बजट जारी करने की मांग प्रारंभिक शिक्षा विभाग से राजकीय टीजीटी कला संघ ने उठाई है। अक्टूबर 2021 में स्कूलों से मिड डे मील की सारी राशि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने वापस लेकर खाते शून्य कर दिए थे और अब इन खातों में पेमेंट नहीं आने से योजना ही संकट में है। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इस बारे में कहा कि मिड डे मील का बजट जारी क्यों नहीं किया गया, इस बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की जाएगी। सब्जी मंडी उद्घाटन विवाद और फिर जूते मारने वाले बयान के मामले ने और तूल पकड़ लिया है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर के साथ उपजे विवाद के बाद हालात ये है कि अब बात देहरा के विधायक होशियार सिंह के इस्तीफे पर पहुंच गई है। पेश है ये रिपोर्ट। सब्जी मंडी उद्घाटन से शुरू हुआ विवाद निर्दलीय विधायक होशियार सिंह के इस्तीफे तक पहुंच गया है। कृषि व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने देहरा के निर्दलीय विधायक के जूते मारने वाले बयान के बाद जो पलटवार किया, जिससे विवाद ने और तूल पकड़ लिया है। कैबिनेट मंत्री ने जवाब में होशियार सिंह की संज्ञा एक सीआर से कर दी और कह दिया कि सीआर कभी सिंह नहीं हो सकते। ये भी कहा कि विधायक को
अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह सामने आए और कहा कि कोई भी ये साबित कर दे कि मैंने किसी मंत्री को गाली निकाली है तो वह आज ही विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। मैंने कैबिनेट मंत्री या किसी को भी कोई गाली नहीं दी है, मैंने सिर्फ देहरा के विरोधियों पर टिप्पणी की थी। होशियार सिंह ने साथ ही कहा कि कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर उनके मित्र हैं और अगर मेरी किसी बात से उन्हें ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ विरोधी मंत्री महोदय को गलत जानकारी दे रहे हैं। और ये जो खबर आपने और एक बात रखी है कि हम कर्मचारियों को डराते धमकाते, आप कर्मचारियों को पूछो, कार्यकर्ता से मत पूछें, आप कर्मचारियों को पूछो। जो कर्मचारी ये बोलता है कि हमने उनको डराया या धमकाया, मुझे बुला लेना उसके सामने, मुझे बुला लेना। एक भी कर्मचारी हमने तो सर एक सेक्रेटरी की भी ट्रांसफ़र नहीं की, हमने तो एक जीआरएस की ट्रांसफ़र नहीं की, हमने तो एक बंदे की ट्रांसफ़र नहीं की। आपके जो विभाग है हमने कभी किसी को तू करके भी नहीं कहा। तो ये जो कुछ लोग हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और जिसके पर आप रिएक्ट कर रहे हैं, ये गलत है। इसके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमें चलने की कोशिश मत करो, हम भी आपके साथ हैं, आपके सरकार के साथ हैं, हमने 4.5 साल आपका साथ दिया। और ये बोलना बड़ा गलत है, बहुत ही गलत है, निंदनीय है कि हमने फ़ायदे उठाए। मेरा पर्सनल काम मैंने कोई नहीं किया, जो भी काम किए जनता के लिए किए, जनता के हित के लिए किए और आप ही की प्रशंसा की, आप ही की पार्टी की प्रशंसा की। आप उस लायक हमें नहीं समझे तो बात अलग है, वो आपकी सोच है, और हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में हर साल सेब सीजन में कुछ भोले भाले बागवानों को कई कारोबारी ठग जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जिला शिमला के ठियोग में सामने आया है। एक बागवान ने पुलिस के पास दर्ज शिकायत में कहा कि आंध्र प्रदेश के एक कारोबारी ने उनसे लाखों रुपए की ठगी की है। पुलिस थाना ठियोग के तहत मटियाना की विभिन्न पंचायतों के सेब बागवानों से आंध्र प्रदेश के एक कारोबारी द्वारा सेब खरीद के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत सेब बागवान ने पुलिस थाना ठियोग में दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना ठियोग में देवेंद्र केवला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जुलाई माह 2021 के दौरान आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिला के एक कारोबारी मोहन प्रोफेसर दुर्गा भवानी फ्रूट्स कंपनी ने मटियाना की विभिन्न पंचायतों से 5673 सेब के बॉक्स खरीदे, जिनकी कुल लागत 77,76,545 रुपए थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि कारोबारी ने सेब की फसल का 41,02,500 का भुगतान कर दिया, जबकि 36,74,045 रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। उधर एसपी शिमला मौनिका भुटुंगरू का कहना है कि पुलिस ने सेब खरीद के नाम ठगी का शिकार हुए सेब बागवान की शिकायत के आधार पर आरोपी कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश भर में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश के कारण लोगों को झुलसने वाली गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में भी ये क्रम जारी रह सकता है। किसानों बागवानों की माने तो इस दौरान होने वाली बारिश सब्जियों के साथ फलदार पौधों के लिए भी संजीवनी साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिनों तक मौसम खराब रहेगा, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 5 से 7 मई तक प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा, वहीं 8 व 9 मई को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। उधर शिमला समेत आसपास के भागों में गुरुवार को भी हल्के बादल छाए रहे। वहीं पर्यटक स्थल रोहतांग दर्रा 6 माह बाद बहाल हो गया है। हालांकि गुरुवार को पहले दिन कम ही पर्यटक रोहतांग गए, आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटकों के रोहतांग की ओर रुख करने की उम्मीद है। इस साल सीमा सड़क संगठन ने 1 माह पहले ही रोहतांग दर्रे को बहाल कर दिया था। स्थानीय प्रशासन की ओर से सड़क का निरीक्षण करने के बाद पर्यटकों को भी रोहतांग जाने की अनुमति मिल गई है। भारी बर्फबारी की वजह से अक्टूबर 2021 से रोहतांग बंद था। पिछले साल 29 मई को इसे बहाल किया गया था। रोहतांग बहाल होने से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को भी राहत मिली है।
चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। लाहौल स्पीति में खाई में गिरी कार, ड्राइवर की मौके पर ही गई जान। केस दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस। JOAIT पेपर में नकल को लेकर ऊना के एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज, कर्मचारी चयन आयोग की शिकायत पर कार्रवाई। जाति विशेष वर्ग के खिलाफ टिप्पणी को लेकर प्रदेश कांग्रेस सचिव के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज। बर्फबारी होने के कारण बारालाचा दर्रे में रोका सैलानियों का काफिला, दारचा में लगा 2 किलोमीटर लंबा जाम। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।